वेलकम बैक टू माय स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट हसन। और 6 पैनल इंस्टॉल किए हैं और यूकॉन का 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है। और यहां पर जो है अभी जनरेशन शुरू हो गई है। अब 1 टन का इस पे एसी रन हो रहा है, लेकिन इसको लोड शेयरिंग पे डाला हुआ है, यानी कि जो है के इलेक्ट्रिक या वापटा भी आप दे सकते हैं। इसका मोड जो रखना पड़ता है वो सब मोड रखना पड़ता है। और यूकॉन का इन्वर्टर है ये, इस तरीके से पैनल हमने लगा लिए हैं एक डायरेक्शन में, ये सेटिंग कर दी है। चाहे तो आप छत पे भी रख सकते हैं, और अगर एंगल बना के रखना चाहे तो एंगल पे भी रख सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ और यूकॉन का ये इन्वर्टर का 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, और इसमें रेड लाइट इसलिए शो कर रही है, ये एरर कभी कभी शो करता है, क्योंकि अगर ओवरलोड हो जाए, क्योंकि इसके साथ बैटरी अटैच नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन ऑफ भी हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने जो है के इलेक्ट्रिक जो है ऑन कर दी है, क्योंकि अभी के इलेक्ट्रिक के बगैर ये चल रहा था, और जिस पे 1 टन का एसी और फ्रिज चल रहा था, और जैसे कोई दूसरा लोड डालते थे तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता था, ठीक है। तो 3.5 किलोवाट का इतना, या तो एक चीज़ चलानी होती है आपने, एसी चला लें या आप फ्रिज चला लें, एक चीज़ बंद करनी होगी, यानी मोटर चलानी है तो मोटर आप चला सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बंद करनी होगी। इसका मकसद ये नहीं होता 3.5 किलोवाट का कि पूरे आपको 3.5 किलोवाट दे, ठीक है, ये थोड़ा सा शेयरिंग भी करता है के इलेक्ट्रिक से, ठीक है, इसके साथ बैटरी अटैच नहीं है। नंबर मेंशन कर दूंगा, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और ये सेटिंग है, और प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने इन्वर्टर का लगाया था नेटवर्क सीरीज़ का, और वो भी 3.2 किलोवाट का था। ये देखिए, यहाँ से मैंने ब्रेकर ऑन कर दिया है, और अब ये एरर कोई मायने नहीं रखता, इसका एरर भी ऑफ हो जाएगा। अब ये जितना भी लोड डाल लें वो शेयरिंग जो है के इलेक्ट्रिक से लेगा।